उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से खबर है, जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल साबित हो रही है। अपने बखानों को सोशल मीडिया पर तेजी से किया जा रहा है और जमीन पर कोई भी काम नहीं हो रहा। उत्तराखंड में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध और प्रदर्शन करते हुए त्रिवेंद्र रावत सरकार का पुतला जलाया और सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही तो युवा कांग्रेस आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, जिस प्रकार से इस प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो निरंकुश हो चुकी है। सरकार ना तो इस प्रदेश में बेरोजगारी को कम कर पाई है, ना कोविड के बढ़ते हुए केसेस को कम कर पाई है, और जो अनियमितताएं शासन प्रशासन में फैली हैं, जिस प्रकार से जो हमारे रोडवेज कर्मचारी हैं, जो जल निगम कर्मचारी, सरकार उनको वेतन नहीं दे पा रही है, तो इन सब मुद्दों को लेकर अनियमित पूरे प्रदेश की अनियमितताओं को लेकर आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। और हमारी सबसे मुख्य मांग यह है, बेरोजगारी इस प्रदेश में इतनी बड़े पैमाने पर आज बेरोजगारी हो चुकी है। जो प्रवासी मजदूर या प्रवासी हमारे भाई जो उत्तराखंड आए थे, उनके लिए भी सरकार द्वारा कोई ठोस नीति नहीं अपनाई गई है। पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, स्वरोजगार की तरफ सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया और एक चेतावनी हम सरकार को देना चाहते हैं। आज तक हमने छोटे स्तर पर यहाँ पर पुतला दहन सांकेतिक तरीके से किया, और अगर सरकार इस ओर हमारी मांग नहीं मानी या कोई सकारात्मक कदम इस ओर नहीं उठाया, जो सबसे मुख्य मांग बेरोजगारी की लेकर है, इस ओर अगर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी इस प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार की।